हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मुन्ना और आप देख रहे हैं मुन्ना रोबोटिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे अगर आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज एरर रिकवरी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करते हैं या बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर को रिपेयर करते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। तो फ्रेंड, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना तो आपको आपकी कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है और ना ही आपको आपकी कंप्यूटर को रिपेयर करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे इजी और आसान तरीका है फ्रेंड। फ्रेंड, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट आपकी कंप्यूटर को एक सेटिंग सही करना है। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर की बूट मेनू पे जाना है। बूट मेनू पे जाने के लिए बहुत सारा कंप्यूटर पे F10 और F12 का ऑप्शन रहता है, और अगर आपको F10 और F12 पे नहीं मिलता तो आपको डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने बूट मेनू ओपन हो जाएगा। अभी आपको एडवांस बूट पे जाना है। एडवांस बूट पे जाने के बाद आपको एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको इधर साटा मोड रहेगा, साटा मोड पे जाना है। साटा मोड पे जाने के बाद इधर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक रहेगा आपका IDE और दूसरा रहेगा आपका SHCI। तो फ्रेंड, वो आपका सेटिंग रहेगा IDE, उसके कारण आपका जो सिस्टम है वो विंडोज एरर रिकवरी शो होता है। तो क्या करना है आपको, IDE जो सेटिंग है उसको आपको AHCI पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप AHCI पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको F10 से सेव करना है। F10 पे सेव करने के बाद आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपका विंडोज डायरेक्ट ओपन होगा। अब जो ये विंडोज एरर रिकवरी का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प में आएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।